जन जन की आवाज भारतीय सत्य पार्टी जिंदाबाद करने सत्य के लिए संघर्ष सत्य विजयी आ गए हैं। मैं बोलूंगा करने के लिए सत्य के लिए संघर्ष आप लोग बोले सत्य विजयी आ गए हैं। अभी ये पाठशाला यहाँ नहीं खुलनी चाहिए थी जबरासी जी। बहुत हुआ खिलवाड़ गरीबों से अब और नहीं, अब बहुत हुआ खिलवाड़ गरीबों से, गरीबों का हक हम दिलाकर रहेंगे। सर्व जाति सर्व धर्म के विद्यार्थियों को हम शिक्षा मुक्त कराकर रहेंगे। सर्व जाति सर्व धर्म के विद्यार्थियों को पूर्ण शिक्षा मुक्त हम कराकर रहेंगे। जातिवाद का आरक्षण हम हटा कर रहेंगे। सर्व जाति सर्व धर्म के गरीबों को आरक्षण हम दिलाकर रहेंगे। जुमलेबाजो होश में आओ। आप यहाँ पे देखिए हमारे प्रधानमंत्री के ही ऊपर सीधे सीधे है। भारत का अनुभवहीन प्रधानमंत्री कौन? मोदी। भारत का अनुभवहीन प्रधानमंत्री कौन? मोदी। भारत का यूटर्न लेने वाला प्रधानमंत्री कौन? मोदी। भारत का यूटर्न लेने वाला प्रधानमंत्री कौन? मोदी। भारत का भगोड़ा प्रधानमंत्री कौन? मोदी। भारत का गैर जिम्मेदार प्रधानमंत्री कौन? मोदी। भारत का फेंकू प्रधानमंत्री कौन? मोदी। भारत का जुमलेबाज प्रधानमंत्री कौन? मोदी। भारत की नारी का अपमान करने वाला प्रधानमंत्री कौन? मोदी। ये जो मैंने नारे लगवाए हैं इसका पूरा मैं विस्तार भी करूंगा जिससे आप लोगों को पता लगे अगर पार्टियां इन नारे बनाए हैं तो क्यों बनाए हैं। देखिए जिस समय चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने वायदे किए थे और वायदे जब पूरे नहीं हुए तो अमित शाह कहते हैं वो तो चुनावी जुमले थे। तो हमारे देश का प्रधानमंत्री कौन है? जुमलेबाज। वो सिर्फ जुमले ही बेचते हैं, जनता को आज तक कुछ दिया है? नहीं दिया है। तो ये कौन हुआ? जुमलेबाज प्रधानमंत्री। दूसरे अनुभवहीन प्रधानमंत्री क्यों कहा है भारतीय जनता पार्टी ने, ये भी आप लोग अच्छी तरह से समझ लें। जीएसटी लागू करी थी 28% से। कितने परसेंट से? 28% से। और लास्ट में लाके 18% पे रोकी। क्या ये एक अनुभवशील प्रधानमंत्री का काम हो सकता है? अच्छा, अगर वो अनुभवी प्रधानमंत्री होते अच्छा तो पहले ही 18% की जीएसटी लागू करते। क्या जनता के लिए उन्होंने जो 28% की जीएसटी ली क्या 10% वापस की? नहीं। तो फिर कौन हुए ये अनुभवहीन प्रधानमंत्री? अनुभवहीन प्रधानमंत्री कौन है? अब हमने उसके बाद इनको कहा यू टर्न लेने वाला प्रधानमंत्री। क्यों कहा? ये हर वादे से मुकर चुके हैं, हर वादे से प्रधानमंत्री जी मुकर चुके हैं। तो क्या हुआ यू टर्न? मतलब वापिस हो गए, ये अपने वायदों से वापिस हो गए। तो अनुभवहीन प्रधानमंत्री कौन? यू टर्न लेने वाला प्रधानमंत्री कौन? हमने कहा भगोड़ा प्रधानमंत्री। भगोड़ा प्रधानमंत्री क्यों कहा? देखिए एक तो देश में नोटबंदी करने के बाद प्रधानमंत्री जी कहां गए? जापान भाग गए। मतलब जनता को लाठियां खाने के लिए छोड़ गए और खुद जापान भाग गए। तो भगोड़ा प्रधानमंत्री कौन हुआ? यूटर्न लेने वाला प्रधानमंत्री कौन है? भारतीय जनता पार्टी ने गैर जिम्मेदार क्यों कहा इनको? इन्होंने नोटबंदी की और जापान लग गए तो क्या ये जिम्मेदार प्रधानमंत्री हो सकते हैं? तो ये कौन है? गैर जिम्मेदार प्रधानमंत्री हुए या नहीं हुए? दूसरी फेंकू प्रधानमंत्री। ये फेंकू प्रधानमंत्री कैसे हैं? ये जब आते हैं माइक के सामने और मीडिया सामने खड़ी होती है तो बहुत लंबे लंबे वायदे सुनाते हैं। भाइयों बहनों माताओं
ठीक है, लेकिन नतीजा जीरो। कोई भी प्रधानमंत्री जी ने एक भी जनता से वादा किया हुआ पूरा किया है तो कौन है? ये झूठे प्रधानमंत्री, जुमलेबाज प्रधानमंत्री। तो ये हैं जुमलेबाज प्रधानमंत्री जी। हमने भारतीय सत्यजीवाल जी ने कहा कि भारत का, भारत की नारी का अपमान करने वाले प्रधानमंत्री कौन है? तो वो है नरेंद्र मोदी। भारतीय सत्यजीवाल पार्टी ने ये बात क्यों कही है ध्यान से समझ लीजिए। और आप लोग भले यहाँ पे मीडिया नहीं है, आप लोग सारी जगह चर्चा करो इस बात की। प्रधानमंत्री जी ने अपनी पत्नी को शादी के 3 साल बाद से छोड़ दिया है, आप लोगों को पता है क्या? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शादीशुदा है और अपनी पत्नी को 3 साल साथ रहे उसके बाद छोड़ दिया। आज आभार नहीं उठा सकती। भारतीय सत्यजीवाल पार्टी ने पूछा कि प्रधानमंत्री जी आपने अपनी पत्नी को क्यों छोड़ रखा है? क्या आपने तलाक दी है? या अगर वो शादीशुदा है या तलाकशुदा है? तो इसमें जवाब आया जी ये कोई सवाल नहीं है। तो एक बार बताइए, जो प्रधानमंत्री अपनी पत्नी का सम्मान नहीं करता है क्या वो हमारे देश की माता बहन बेटियों की इज्जत करेगा? क्या वो हमारे देश की माता बहन बेटियों की इज्जत करेगा? तो नारी का अपमान करने वाला प्रधानमंत्री कौन? नारी का अपमान करने वाले प्रधानमंत्री कौन? तो ये है हमारे देश के प्रधानमंत्री की हालत। जो प्रधानमंत्री ही चरित्रहीन है, आप सुन लीजिए, जिस आदमी ने जिस भारत की नारी को, भारत की बेटी को शादी करके छोड़ दिया हो तो वो एक गैर जिम्मेदार और चरित्रहीन मानते हैं ऐसे लोगों को। भाई ऐसा आदमी कोई चरित्रवान हो सकता है जो शादी करके अपनी बीवी को धक्के खाने को छोड़ दे और अपने पीएम में पीएम हाउस में जाकर राज करे? किस देश का प्रधानमंत्री चरित्रहीन है? क्या वो देश को चरित्रवान बना सकता है? क्या बना सकता है? क्या नारी का सम्मान कर सकता है? तो सभी यहाँ पे जितने भी भारतीय सत्यजीवी पार्टी के कार्यकर्ता समर्थक हैं, सभी से निवेदन है कि भारतीय सत्यजीवी पार्टी ने जो स्टेप उठाया है उसमें आप सभी का सहयोग चाहिए। और आज आप अगर एक आए हैं तो अगली बार 5 लोग होके आए, जो 5 लोग आए रजिस्टर, इसका दायरा बढ़ता जाएगा, हम कहते जाएंगे। आज प्रदर्शन का आप मेन मुद्दे पे आ जाते हैं कि भारतीय सत्यजीवी पार्टी ने भारत सरकार से मांग की कि सर्व जाति सर्व धर्म के विद्यार्थियों को पूर्ण शिक्षा मुफ्त दी जाए। ये मांग क्यों की? क्योंकि गरीब बच्चा आज भी नहीं पढ़ पा रहा है। 12वीं तक शिक्षा मुफ्त है और 12वीं के बाद बच्चा आगे नहीं पढ़ पाता है। जिस आदमी की तनख्वाह अगर 10,000 रुपए महीने है, क्या वो आदमी क्या अपने बच्चे को डिग्रियां दिलवा सकता है? तो ये सब देखते हुए भारत सरकार से मांग की थी कि भारत के सर्व जाति सर्व धर्म के विद्यार्थियों को पूर्ण शिक्षा मुफ्त दी जाए। और इस मांग के लिए जहाँ 4 साल हो गए प्रधानमंत्री जी ने करवट नहीं लिया, क्योंकि वो तो चाहते हैं गरीब गरीब रहे तो जुमले बांटते रहेंगे। अगर गरीबी का बच्चा पढ़ के ऊपर आ गया तो उसको समझ आ जाएगी कि ये जुमलेबाज है, ये झूठा है, ये सच्चा है, तो इनकी सत्ता चली जाएगी। तो ये सत्ताधारी जो है गरीब को आगे बढ़ना देखना ही नहीं चाहते है। क्यों नहीं देखना चाहते है? इसका कारण यही है कि अगर गरीब का बच्चा पढ़ के आ गया तो इनके झूठे और जुमलेबाजी खत्म हो जाएगी। दूसरी मांग भारतीय सत्यजीवी पार्टी ने की थी कि जातिवाद का आरक्षण खत्म करके। आज जातिवाद के आरक्षण के चक्कर में देश घाटे में जा रहा है। पार्टी ने मांग की थी कि सर्व जाति सर्व धर्म के गरीबों को आरक्षण दिया जाए। हमने सवाल उठाया था कि किस जाति में गरीब नहीं होता है? भाई किस जाति किस धर्म में गरीब नहीं है? फिर आरक्षण जातिवाद पर क्यों? ये मांग की थी और ये सवाल उठाया, इस पर भी कोई जवाब नहीं दिया। आज भारतीय सत्यजीवी पार्टी ने कमर कसी हुई है और सड़क पे आई हुई है और अब सभी का साथ चाहिए। और ये मांग के साथ आगे दिन ब दिन प्रदर्शन बढ़ेंगे और ये सब आप लोगों का सहयोग से होंगे। अकेले मुकेश शर्मा ये प्रदर्शन नहीं कर सकते, अकेले जयप्रकाश जी नहीं कर सकते, अकेले यहाँ पे जितने भी हमारे भाई बहन गए हुए, कोई भी अगर अकेला झंडा लेके चल देगा तो उसका कोई सुनवाई नहीं होगी। जब झंडे की लाइन लगी होगी 1-1 किलोमीटर लंबी, तो प्रधानमंत्री सड़क पे आएंगे। और इसके लिए हम सभी को निस्वार्थ, जिस तरह भारतीय सत्यजीवी पार्टी आप सबके अधिकारों के लिए, पूरे देश के अधिकारों के लिए निस्वार्थ निष्पक्ष लड़ रही है, इसमें आप सब लोगों को भी निस्वार्थ निष्पक्ष होकर आगे बढ़ना होगा।
तभी हमारी मांगे पूरी होंगी, तभी भारतीय समाजवादी पार्टी का आंदोलन प्रदर्शन सफल होंगे। जन जन की आवाज, जन जन की आवाज, सबको मिला के ये बात और प्रदर्शन यही समाप्त करते हैं और सभी से निवेदन करता हूं कि अब सभी को रात दिन जागना है, एक दूसरे से बात करनी है और एक दूसरे तक बात पहुंचा के भारतीय समाजवादी पार्टी के पास साथ जुड़ना है, जिससे ये प्रदर्शन और आंदोलन तेजी से बढ़ सके और सरकारों से अपनी मांगे हम मनवा सकें। हमारे देश में जितनी भी सरकारें आती हैं वायदों से मुकर जाती हैं, वायदे गरीबों के साथ होते हैं, वादे गरीबों के साथ होते हैं, निभाए अमीरों के साथ जाते हैं। इस भारतीय समाजवादी पार्टी में खास बात क्या होगी कि और पार्टियां जो अमीरों की गोद में जाके बैठ जाती हैं और पार्टियां अमीरों की जेब में जाके बैठ जाती हैं, ये भारतीय समाजवादी पार्टी किसी पूंजीपति की जेब में जाके नहीं बैठेगी। और इसीलिए आज मोदी जी को अगर डर किसी से लगता है तो भारतीय समाजवादी पार्टी से ही डर लगता है। भारतीय समाजवादी पार्टी कई प्रदर्शन कर चुकी है, कई चुनौतियां दे चुकी है, लेकिन ये लोग सामने नहीं आ रहे हैं, एक शब्द भी नहीं बोलने की हिम्मत कर सकते हैं। जो 56 इंची का सीना था वो भारतीय समाजवादी पार्टी के सामने मात्र 6 इंची रह गया है, सीना कहीं नजर ही नहीं आता। तो इसीलिए हमने सत्यता से आगे बढ़ना है, दृढ़ता से आगे बढ़ना है और इस आंदोलन को, इस प्रदर्शन को आगे बढ़ाना है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 वंदे, भारत माता की, भारतीय समाजवादी पार्टी, भारतीय समाजवादी पार्टी, भारतीय समाजवादी पार्टी, भारतीय समाजवादी पार्टी। इसी के साथ ये प्रदर्शन यही समाप्त हुआ। जय भारत, जय हिंद।